संदीप अरुणिता के कल वाले इवेंट में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे अब तक फैंस नहीं देख पाए थे। कल वाले इवेंट में अरुणिता ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, व्हाइट स्नीकर्स पहने थे। खुले बालों के साथ अरुणिता का स्टाइलिश लुक वाकई तारीफ के लायक था। अरुणिता के साथ पवन भी थे, वो पियानो बजा रहे थे। अरुणिता उस वक्त पवन के पीछे खड़ी होकर माइक लेकर गाना गा रही थी। कभी एक लड़का उनकी तरफ बार बार कमेंट्स कर रहा था। हालांकि पवन ये सब इशारे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन जब अरुणिता पवन के पीछे से हटकर आगे आई तो पवन समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और पवन की नजर फिर मंच के नीचे खड़े उस लड़के पर जाती है और फिर तो पवन गुस्से से लाल हो जाते हैं और अरुणिता से वहीं खड़े होकर गाना गाने को कहते हैं। पवन वहीं खड़े रहते हैं और अरुणिता गाना गाती रहती है और वो लड़का फिर पास भी नहीं भटकता है। एक तरह से अरुणिता के आगे पहाड़ बनकर पवन खड़े हो जाते हैं जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है। क्या आगे भी इनकी दोस्ती और प्यार ऐसा ही रहेगा? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता को अचानक एयरपोर्ट पर देखकर लोग चौंक गए, क्योंकि आज रात ही इनका एक इवेंट होने वाला। इवेंट में कुछ ही घंटे बाकी थे कि अचानक अरुणिता को एयरपोर्ट की तरफ भागते देखा गया। वैसे तो पवन अरु के अमेरिका के ऑलमोस्ट इवेंट पूरे हो चुके हैं और मार्च का महीना भी खत्म होने को आ गया है, लेकिन पवन अरु की आवाज़ ने इस कदर वहाँ की जनता को दीवाना बना दिया कि वहीं के लोगों ने स्पेशली एक और इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और पवन अरु दानशायली को इनवाइट किया गया है। जी हाँ, लॉस एंजल में पवन अरु दानशायली का नया इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। अब पवन अरु अपने फैंस को मना तो कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने वापस मुंबई लौटने से पहले इस इवेंट को करने की बात कही है। पवन अरु को लॉस एंजल जाने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ा और यहाँ अरुणिता बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आई, क्योंकि उन्हें ये जगह बहुत पसंद है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस जगह के बारे में सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही देखा था, सुना था, लेकिन आज वो इस जगह को लाइव अपनी आंखों से देखेंगी। अरुणिता, पवन, दानशायली सबके साथ एयरपोर्ट पर दिखे। अरुणिता बता रही हैं कि यहाँ जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा जिसके बारे में वो आप सबको बताने वाली हैं। अरुणिता ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं है कि उनके साथ और वहाँ क्या होने वाला है। अरुणिता की खुशी को पवन एक टक देखे जा रहे हैं। पवन देख रहे हैं कि अरुणिता इस जगह पर अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है और एक्साइटमेंट ही उनकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा खास बनाती है। और हमें यकीन है कि अरुणिता लॉस एंजल जाकर अपने फैंस को बहुत कुछ दिखाने वाली हैं, बहुत सारी यादें बटोर कर लाने वाली हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन में पवन अरु वापस मुंबई आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बहुत कुछ नया करने वाले हैं, अपने फैंस को बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तो आप सब इन सब के लिए रेडी हो जाएं। जैसे ही हमारे पास अरुदीप के लॉस एंजल से जुड़े लेटेस्ट पिक्चर वीडियो आएंगे, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। कल वाली परफॉर्मेंस के दौरान अरुणिता ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी जिसकी खूब चर्चाएं हुई। हर तरह पर अरुणिता की इस ड्रेस को लेकर लोगों ने तारीफ की, जिसमें वो वाकई कमाल की बला लग रही थी। खुले बाल और शाइनिंग आई मेकअप में अरुणिता की खूबसूरती और ज्यादा निखर कर आ रही थी। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि तभी अचानक उनकी ड्रेस को नजर लग गई और अरुणिता को वो ड्रेस उसी वक्त चेंज करने जाना पड़ा। जी, अरुणिता की ब्लैक ड्रेस मंच पर उन्हें धोखा दे देती है और फिर वो मंच पर ज्यादा देर रुक नहीं पाती हैं और ऐसे वक्त पर पवन ही उनकी मदद करते हैं। दरअसल अरुणिता गाना गाते गाते मंच पर कभी आगे आ जाती हैं तो कभी पीछे जाती हैं और अचानक से उन्हें पीछे की तरफ हवा आती दिखाई देती है, कुछ अनकंफर्ट सा महसूस होता है। ऐसे में उनकी ड्रेस फंस रही थी, टाइट लग रही थी, तभी उन्हें कुछ घबराहट सी हुई और ड्रेस के फटने की आशंका हुई। इससे पहले ड्रेस फटती और अरुणिता शर्मिंदगी महसूस करती कि पवन ने उन्हें फौरन वहां से जाने को कह दिया। पवन ने अरुणिता की इस बेचैनी को पहचान लिया, उन्हें फौरन अरुणिता को वहां से जाने को कह दिया। अरुणिता से पवन मंच पर उनकी ड्रेस के बारे में बात कहते दिख रहे हैं। पवन की बात सुनते ही अरुणिता फौरन मंच से चली जाती हैं और ड्रेस चेंज करके आती हैं और उसके बाद वो दोनों एकदम फ्री माइंड के साथ गाना गाते दिखते हैं। पवन अरु यूएसए ट्रिप को खूब इंजॉय करें और इस बात का सबूत इनकी ये क्यूट क्यूट सी मजेदार वीडियो हैं। लगातार इनकी एक से एक और मजेदार वीडियो आ रही हैं और फिर हम आपके लिए पवन अरु की एक और क्यूट लविंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप भी कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे, ये दावा है हमारा।
क्योंकि अरुणिता की हरकतें इतनी क्यूट हैं कि पवन खुद उनकी पोस्ट पर कमेंट किए बिना रह ही नहीं पाए। तो हम सब भी अरुणिता की इन क्यूट हरकतों को प्यार तो देना चाहेंगे। वीडियो देखने के बाद फैंस यही कह रहे हैं कि अरुणिता हमेशा ऐसे ही चुलबुले अंदाज में रहिएगा, लोगों को प्यार करते रहिए और मौज मस्ती करते करते जिंदगी में आगे बढ़े। इस वक्त अरुणिता यूएसए में पवनदीप के साथ हर एक पल को खूब एंजॉय कर रही हैं। फिर चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग हो, रेस्टोरेंट में डिनर और लंच की बात हो, और हर जगह वो पवन के साथ एक नई याद बना रही हैं। और फिर से रात के वक्त में अरुणिता ने यूएसए की सड़कों पर यादगार पल सजोए हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल वीडियो में आप देख सकते हैं कि रात के वक्त पवन अरु और इनके कुछ दोस्त यूएसए की सड़क पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। एक रेड लाइट जैसी जगह नजर आ रही है और वहां का खूबसूरत नजारा पवन अपने फोन में कैद करना चाहते हैं। पवन फोन निकालते हैं और फोटो क्लिक करना शुरू कर देते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी अरुणिता उन्हें तंग करने लगती है और जानबूझकर उनके कैमरे के सामने आकर नाचने लगती है, ऊंट पटांग हरकतें करने लगती है, कूद रही है, चेहरे और हाथों के एक्सप्रेशन दे रही है, बहुत खुश नजर आ रही है। अरुणिता का ये चुलबुला अंदाज देकर यही कहा जा रहा है कि अरुणिता अभी भी बच्ची हैं और पवन इस क्यूट सी बच्ची के शौक पूरे करने में मदद कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इनके अलावा एक और भी वीडियो खूब वायरल हो रही है, जब अरुणिता रेड लाइट जैसे जगह पर बीचों बीच में खड़ी हो जाती है और वहां कमाल का फोटो शूट करवाती है, तरह तरह के एक्सप्रेशन दे रही है। पवन लेट बैठ कर उनका फोटो शूट कर रहे हैं और फिर पवन का फोटो शूट अरुणिता भी करती है। दोनों फनी एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लोग इनकी मस्तियां देखकर खूब हंस रहे हैं, ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं। तो अब तक आपने पवन अरु की मजेदार वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में प्यार भरा मैसेज देना बिल्कुल ना भूलें।